सो हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा स्टील लिमिटेड को लेकर। तो आप सभी तो पता ही है, हमने लास्ट वीडियो में भी हमारे कवर किया है टाटा स्टील लिमिटेड को। सो आप सभी को भाई मैं एक बार नोट्स रिमाइंडर कर देना चाहता हूँ कि टाटा स्टील लिमिटेड आने वाले दिनों में आप सभी को एक अच्छा खासा रिटर्न देते हुए नज़र आएगा स्टॉक मार्केट के अंदर। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, और देखिए भाई, मैं जितने भी बात कहता हूँ ना, सब प्रूफ के साथ कहता हूँ, फुल डिटेल्स और फुल इन्फॉर्मेशन के साथ अपने वीडियो में कवर करता हूँ। सो देखिए, हम लोग वीडियो ऐसे ही नहीं बनाते भाई। अगर मैं किसी भी स्टॉक का वीडियो बना रहा हूँ, इसका मतलब उस स्टॉक का फंडामेंटल और फ्यूचरिस्टिक बिजनेस और प्रेजेंट बिजनेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उस स्टॉक के बारे में बताता हूँ। क्योंकि भाई देखिए, मुझे भी तो पता है कि कोई भी अगर स्टॉक मार्केट में नया नया आता है भाई, वो सबसे पहले यूट्यूब पे जाके वीडियो सर्च करता है विच इज़ द बेस्ट स्टॉक, ठीक है, और आने वाले फ्यूचर में कौन सा स्टॉक हमें ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। तो सब कुछ हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो भाई देखिए, टाटा स्टील बहुत ही बेस्ट स्टॉक है स्टील सेक्टर के अंदर। देखिए भाई, बहुत लोग क्या करते हैं, आप लोगों को गलत सलाह देता है। तो भाई देखिए, कोई सलाह नहीं है, कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है हमारे ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए होते हैं। बाई करो, सेल करो, होल्ड करो, सब आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। सो टाटा स्टील लिमिटेड आप सभी को तो पता ही है, बहुत बढ़िया स्टॉक है भाई। 0.22% के तेज़ी के साथ मार्केट में उस दिन लास्ट फ्राइडे क्लोज हुआ था। सो देखिए, आप लोग एक चीज़ नोट्स कीजिए, इसमें भी लास्ट फ्राइडे का जो 3 बजे का जो हलचल था, हलचल में इसने भी थोड़ा मूवमेंट दिखाया। तो इसने क्या दिखाया, लास्ट 3 बजे इसने अपसाइड मूवमेंट दिखाया, फिर जाके ये थोड़ा मूवमेंट नीचे की तरफ आया, फिर ये एंड आते आते फिर ये ऊपर की तरफ आ गया। इसका मतलब क्या है भाई, मार्केट में कुछ भी हो भाई, टाटा कंपनी का जितना भी स्टॉक है भाई, उनको कोई भाई रोक नहीं सकता है, ठीक है। क्योंकि भाई देखिए, टाटा कंपनी ऐसा एक कंपनी है जिसको मार्केट के साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ भाई अपने बिज़नेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो भाई टाटा स्टील का बिज़नेस सबसे भी तो पता ही है, बहुत बढ़िया बिज़नेस है, मार्केट कैप्चर भी लगभग 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप्चर है, और आने वाले दिनों में आप सभी को पता ही है कि टाटा स्टील आप सभी को बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट देने वाला है। क्योंकि भाई हर एक गवर्नमेंट सेक्टर में टाटा स्टील का ही हाथ होता है, टाटा स्टील ही काम करता है। मान लीजिए आज कहीं भी अगर करोड़ों का ब्रिज भी बन रहा है स्टील का, तो उसमें भी टाटा स्टील का काम है। और अगर कंक्रीट का भी ब्रिज बनता है ना, तो भाई उस ब्रिज के अंदर जो रॉड होते हैं ना, जो स्टील होते हैं, सब भाई टाटा का ही होते हैं, ठीक है। सो इसलिए भाई टाटा स्टील को भाई कोई टक्कर नहीं दे सकता। टाटा स्टील भाई भले इसने लास्ट 5 ईयर्स में कुछ उतना बड़ा रिटर्न नहीं दिया है, लेकिन भाई आप बड़े बड़े स्टॉक में 200 से 300% का टारगेट रख सकते हैं। बड़े बड़े स्टॉक में क्या होता है भाई, आपको कोई रिस्क नहीं, कोई रिस्क नहीं होता है कि भाई आने वाले 5 साल में हमारा पैसा बढ़ेगा कि नहीं, कोई रिस्क नहीं रहता है। लेकिन भाई एक बात तो कन्फर्म है, बड़े बड़े स्टॉक में 5 साल के लिए आप आँख बंद करके सो सकते हैं, रात को पेनी स्टॉक की तरह भाई डूब नहीं जाता है। ये सब बड़े बड़े स्टॉक है, बहुत बढ़िया स्टॉक है भाई, ठीक है। पेनी स्टॉक में रिस्क है, हो सकता है आप रातों रात करोड़पति, और नहीं तो आप रोडपति। पेनी स्टॉक में ऐसा है, लेकिन लार्ज कैप स्टॉक में ऐसा नहीं है भाई। लार्ज कैप स्टॉक में आपको 5 साल के अंदर अच्छा खासा रिटर्न देते हुए नज़र आते हैं, ठीक है। सो आने वाले दिनों के लिए आपका जो टुमारो मार्केट के लिए इसका जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, आप हमारे पुराने वीडियो में जाके देख सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल इसका, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।